आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई की है। सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। तत्कालीन अंचलाधिकारी पालीगंज राकेश कुमार और तत्कालीन थाना अध्यक्ष संदेश पंकज कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों के गया और पटना स्थित आवासों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापा मारा है। अधिकारियों के आवास पर आर्थिक अपराध की इकाई ने छापेमारी की है और छानबीन कागजातों की जा रही है। सहयोगी शक्ति जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शक्ति, लगातार आर्थिक अपराध इकाई अब सख्त नजर आ रहा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। पटना में भी छापेमारी की खबर मिल रही, क्या कुछ और अपडेट है? जी, अभी आपको बता दें कि लगातार जो है आर्थिक एक अपराध इकाई हो या फिर निगरानी विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें लगातार उसकी जो छापेमारी है भ्रष्ट अफसरों को जो है की जा रही है। बिहार में देखा होगा आए दिन जो है इंजीनियरों पर भी निगरानी और आयकर विभाग की छापेमारी पड़ रही है। और इसी के आपको बता दें कि अब जो है आय से अधिक संपत्ति मामले में जो है आर्थिक इकाई ने जो सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की है। और आपको बता दें कि तत्कालीन अंचलाधिकारी जो पालीगंज के राकेश कुमार थे, उनके घरों पे और उनके और भी ठिकानों पर भी जो है वो छापेमारी की गई है। साथ ही उस समय जो जो थाना अध्यक्ष थे पालीगंज के संदेश और पंकज कुमार के ठिकानों पर भी जो है EOU जो आर्थिक जो है छापेमारी जो है वो अभी भी जारी है। और लगातार जो है वो आपको बता दें कि बिहार में जो भ्रष्ट अफसर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन सब पर जो है वो निगरानी और EOU का जो है वो एजेंडा चल रहा है। शुक्रिया शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए।